हमारी कोई नहीं सुनना। अब की बार बता देंगे योगी सरकार को, मोदी सरकार को, इतने हमारा भुगतान नहीं हो, किसी को वोट नहीं देना है। 7 करोड़ रुपए है हमारे सेल्फ कोर्ट पे एक कंपनी में। स्वागत है आपका जनहित आवाज में, मैं हूँ आपके साथ पूजा। आज यह जंतर मंतर पर आप जो तमाम लोग देख रहे हैं, ये भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आज जंतर मंतर पर है। क्यों है ये मैं आपको बता देती हूँ, मिशन भुगतान भारत यात्रा। जी हाँ, मिशन भुगतान भारत यात्रा को लेकर जो चिटफंड का मामला है उसको लेकर के यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी इन्हीं लोगों से जानेंगे क्या कुछ मसला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीलू देवी, मैं कानपुर देहात से आई हूँ। कानपुर से आई जी। क्या कुछ मसला हो गया कि आज आप लोग इतनी तादाद में यहाँ पर प्रदर्शन करने आए? मैम, चिट फंड कंपनियों का पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि सरकार हमारी कुछ सुने और हमारा पैसा दिलाए। लेकिन वो जो लोग हैं उन लोगों ने तो गमन कर लिया और हम लोग परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और हमारे बच्चों की भी पढ़ाइयाँ डिस्टर्ब हो रही हैं, हम लोग घर पे भी नहीं रह पा रहे हैं। बताइए ऐसे कैसा होगा? सरकार को ये जो करना है वही कर सकती है, हम लोग तो क्या है, कुछ भी नहीं है। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, पैसा भी मिल सकता है हमारा, लेकिन सरकार का मामला क्या है, क्या कुछ मसला है? पेमेंट नहीं दे रहे हैं मुझे, उनको रजिस्ट्रार ने उनको एक्टिवेट किया है लेकिन उनको सारे बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा। उनको सचेत पत्रिका में उनका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है लेकिन सरकार ने उनको बंद कर दिया गया। हमारे सब सारे पीड़ित हैं, उनका पैसा अलग अलग कंपनियों में जमा है, अलग अलग सोसाइटियों में जमा है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही, हमारी मांगों को मान नहीं रही है। उन्होंने इसके लिए बर्ड्स एक्ट लागू किया था, उसमें सारी चिटफंड कंपनियों को बंद करके उनका पैसा जनता को देना था, लेकिन उस एक्ट को लागू नहीं कर रही है सरकार। बना दिया है, संसद में पारित हो गया है लेकिन उसको लागू नहीं करवा रही है, जिससे हमारा पैसा सरकार के द्वारा जो सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा दिया जाएगा। तो ये मामला है, इसके लिए हमने ठगों के लिए लिखा हुआ है, ठग कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। किसने ठगी कर दी? ठगों को फांसी दो। भिवानी हरियाणा से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड मल्टी स्टेट भारत, जो पिछले 4 साल से मतलब लोगों की रकम को लेकर के और भुगतान नहीं हो पा रहा। वर्ज एक्ट 19 के तहत भारत सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से एक आपदा कोष बना करके और लोगों का भुगतान शुरू करवाए। एक्ट तो बना दिया है लेकिन उस एक्ट को लागू करवाए हर जिला सत्र के ऊपर, जिससे सब समस्याओं के पीड़ित लोगों की समस्या का निदान हो सके और उनकी भुगतान हो सके। ठग करने वाला है कौन? ठगी करने वाला है कौन? ठगी करने वाला है मुकेश मोदी और राहुल मोदी, जो सिरोही राजस्थान से संबंधित हैं और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का अध्यक्ष और संस्थापक। क्या नाम है सर आपका? आओ, मेरा नाम रामदेव गौतम है। कहाँ से आए? मथुरा से। मथुरा से आए, इतनी दूर से आप लोग आए जी? क्या मसला हो गया, कौन से ठगों को आप पकड़ने की बात कर रहे हैं? सुब्रत राय ठग है, सारा का मालिक, PACL का मालिक है NS भंगू, राहुल मोदी, सुशील मोदी, आदर्श के मालिक हैं, ये सब ठगी तो घूम रहे हैं मार्केट में। ये मोदी जी ने छोड़ रखे हैं सारे ठग। मोदी जी ने छोड़ रखे? बिल्कुल। मोदी जी आप लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं 15-15 घंटे, क्या काम कर रहे हैं जरा बताएं आप? मोदी जी केवल अपनी लोकप्रियता बटोरने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को जहर दे रहे हैं। उन्होंने 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया, आप देख लीजिए आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? मोदी जी को विदेश जाने की ज्यादा जरूरत है, यहाँ लोग रो रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है मोदी जी को? विदेश नहीं जाए, वहाँ से उनसे संबंध स्थापित ना करें? क्यों कर रहे हैं जब यहाँ की जनता पावर चाहिए ना आप? ब्यूटो पावर के सदस्य भी नहीं है अभी, वो ब्यूटो पावर कहाँ से मिल जाएगी अभी उन्हें? भाई देशों में दौरा करेंगे जब ही ना, कुछ नहीं होगा उससे, उस दौरा से कुछ नहीं होगा, इस दौरा से होगा। हमने वोट दिया है मोदी जी को, हमने वोट दिया है, अभी फिर दे दीजिए, 2024 आ रहा है। नहीं देंगे, गद्दी से उतार देंगे। 20 करोड़ परिवार हैं, 20 करोड़ का मतलब हो गया 1 लाख करोड़ व्यक्ति। वोट नहीं देंगे तो काम कैसे करेंगे आपके लिए? कौन क्या बोलना चाहते हैं? काम की जरूरत हमें नहीं है मैडम, पैसे वोट देंगे तभी ना आपके, ऐसे काम की जरूरत हमें नहीं है। मेरे हस्बैंड सरकारी ऑफिसर थे, उनकी रिटायरमेंट हुई, रिटायरमेंट पे पैसा मिला, सारा पैसा सहारा इंडिया में लगा दिया, हम बिल्कुल खाली हो गए। सुब्रत राय जिसका मालिक था
उनसे लड़ते लड़ते मेरे हस्बैंड की 3 महीने पहले अटैक से डेथ हो चुकी है। मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं है, मैं उधार मांग मांग के कर्जदार हो चुकी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बताइए मेरा घर कैसे चलेगा। हम कितने दिन से सरकार से मांग कर रहे हैं कि बढ़ सख्त लागू करो, बढ़ सख्त लागू करो, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं वो जो पास हो चुका बिल। अच्छा तो अभी कह रहे हैं 2024 चुनाव आ रहा है, अगर उनको लाएंगे तभी ना आप लोगों के लिए। हमें नहीं लाना, मोदी जी को पहले लाके बहुत बड़ी भूल कर चुके हैं, हम पहले बहुत बड़ी भूल कर चुके हैं, अब हम वो भूल दोबारा नहीं करने वाले। भूल बता रहे हैं। बिल्कुल भूल तो हुई ही, जो उन्होंने सपने दिखाए थे कि तुम्हारे बच्चों को 2 करोड़ नौकरी पर साल दूंगा, 15 लाख रुपया तुमको दूंगा, विदेश से काला धन यहाँ पर लेके आऊंगा, एक एक व्यक्ति को 15-15 लाख बांटूंगा, कुछ हुआ आज तक? एक काम नोटबंदी करा तो काला धन आया तो बटोरा तो काला धन नहीं है वो। हाँ। वो केवल बीजेपी का धन साफ हुआ है। हाँ। बीजेपी वालों का हुआ है। हाँ। नोटबंदी तो हमारे देश के हित में नहीं हुई है, अहित में हुई है। आज जीएसटी चिप लगा हुआ आ रहा है, बताइए आप। कोई चिप नहीं लगा आ रहा। हाँ। सब गलत है, इतना कुछ कर रहे हैं। 1000 का नोट, देखिए फास्ट कर दी, 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट इसीलिए चलाया था कि बक्से भर दिए जाएं, और भर दिए। आज रोज मीडिया दिखा रहा है कि 2000 का नोट मार्केट से कहाँ गया, बीजेपी वालों के घर पे रखा है, देख लो जाके। आप कैसे बता सकते हैं दावे के साथ? देखा है ना, हमने देखा है। हाँ जी, अमित शाह जी का लड़का जिसकी 10000 की कंपनी थी, आज वो 10000 करोड़ की हो गई, कहाँ से आ गया पैसा? उसकी कोई जांच करेगा? कोई नहीं करेगा। मतलब आप तो आरोप लगा रहे हैं, सीधा सीधा ठग बता रहे हैं। बिल्कुल ठग हैं और महाठग हैं, इनसे ज्यादा बड़ा ठग कोई ना आज तक हुआ ना होगा, जितने ये बड़े ठगे। राष्ट्रवादी पार्टी है बीजेपी, आप बिल्कुल राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र बना केवल हिंदू मुस्लिम कराने के लिए बस ये काम करती है, बाकी कुछ नहीं करती, जनता के लिए कुछ नहीं करती। लोगों को भी तो हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू बनना है भाई। क्यों बनना है हिंदू? सबको हिंदू बनना है। मुसलमान कहाँ से आए थे? मुसलमान कहाँ से आए थे, इनसे पूछो जरा। उनको तो बाहर निकाला जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है बाहर? यही तो राजनीति है यहाँ की, और यही क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहीं से हैं, सब यहीं के हैं, कोई बाहर से नहीं आया। जब देश आजाद हुआ था, जब हिंदू मुसलमान जात पात नहीं थी, मुसलमानों ने भी देश के लिए कुर्बानी दी है, ऐसा नहीं है कि नहीं दी है। मोदी जी ने कौन सी कुर्बानी दे दी, या आरएसएस वालों ने कौन सी कुर्बानी दे दी? आरएसएस वाले तो बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? संघ सबके साथ। एक का नाम बता दो जो आरएसएस वाले ने कुर्बानी दी हो। आरएसएस वालों का काम था केवल लड़की सप्लाई करना, और वो करते थे अंग्रेजों को दावे के साथ। बिल्कुल कर रहे हैं मोदी जी, 50 लाख रुपए मैं अपना लगा चुका हूँ इसमें। जय किशन राणा फरे में उसकी 2500 एकड़ की प्रॉपर्टी है, क्यों सील नहीं करती सरकार? योगी सरकार क्यों सील नहीं करती उसे? बिल्डोजर उसमें क्यों नहीं चलाती? मैं 50 चला तो रही है, क्या चला तो रही है? दंगे बाजों पे राणा पे नहीं चला रही, जय किशन राणा KBCL कंपनी कल्पतरु ग्रुप, उसमें मैं 50 लाख रुपए अपना पर्सनल अपने लगा चुका हूँ। हमें माल बोला था, मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, गौतम बुद्ध नगर से हूँ। 50 लाख रुपए अपना पर्सनल, यार से रिश्तेदारों का 5 करोड़ रुपए लगा चुका हूँ, उसके 10,000 फ्लैट बने हुए हैं, 2500 एकड़ का प्रोजेक्ट मथुरा में, क्यों बिल्डोजर ने चला रही योगी सरकार? अगर वो हम 20 सितंबर में बाबा से मिले योगी सरकार से, फिर भी वो ध्यान नहीं कर रहे। कई हजार आदमी गए हैं वहाँ पे, एटा DM को ज्ञापन दिया है, गौतम बुद्ध नगर DM को ज्ञापन दिया है, बुलंदशहर DM को ज्ञापन दिया है, गाजियाबाद DM को ज्ञापन दिया है, हाथरस DM को ज्ञापन दिया, सभी कमिश्नरों को ज्ञापन दिया है, बाबा से 20 सितंबर में मिले हैं। हमारे लिए कोई राहत नहीं है, 7 साल से हम धक्का खा रहे हैं, दर दर के धक्के खा रहे हैं। हमारे कम से कम 10 साथी मैं बता सकता हूँ नाम उनके, जो इस दुनिया में नहीं है, सुसाइड कर लिया, अटैक से मर गए। अभी एक साथी फल उसमें पड़ा हुआ, उसकी 6 महीने से बोलचाल बंद है, उसका परिवार। सरकार भी तो दावे कर रही है इतना कुछ राज्य में, इतना कुछ काम। हम रोते फिर रहे, क्या कर रही है कुछ? अरे हम तो मोदी के पास भी आए, योगी छोड़ के क्यों नहीं लागे करते? जब हमारी संसद के अंदर, हमारी संसद के अंदर जब ये कानून बन चुका है, तो इसे लागू क्यों नहीं हो रहा? कौन सा कानून? बर्ड एक्स 2019, अनियमित पाबंदी जमा योजना, और योगी चल रहा है
अभी उस पर काम कब तक चलेगा? काम कैसा ही सा काम चलेगा 2019 से? और योगी सरकार पीआईडी एक्ट 2016, अनियमित पाबंदी जमा योजना योगी सरकार 16 में बना चुकी है, 6-6 साल तक 7 साल तक काम करता चलेगा, क्यों नहीं हो रहा है? और उनका भुगतान शुरू करवाना चाहिए। हमारे साथी भी मर चुके हैं, कुछ घर छोड़ के निकल चुके हैं, किसी की बेटी जवान बैठी है, कोई बिना पैसे के हॉस्पिटल में मर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है हमारा? हमारी कोई नहीं सुनना। अब की बार बता देंगे योगी सरकार को, मोदी सरकार को कैसे बताएंगे? अब बताएंगे, वोट नहीं देंगे, हमारे पास क्या ताकत है? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। किसको देंगे? कौन है सरकार? ना कोई नहीं है, कोई नहीं, किसी को वोट नहीं देंगे। जब तक हमारा भुगतान नहीं होता है हम किसी को वोट नहीं देंगे। और ये सब प्रचार करेंगे, मैं 7 जिले वाले भी तो आप ही लोग थे। मैं 7 जिले पे जा चुका हूँ, 7 जिले पे, और हर एक जिले पे जाऊंगा मदन लाल जी की तरह सारे भारत में जाऊंगा, सारे भारत में जाऊंगा, और सबसे यही बोलूंगा इतने हमारा भुगतान नहीं हो, किसी को वोट नहीं देना है, हमें ये प्रचार करना है। जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा ये सरकार सोई हुई है। जब ये कोरोना में जनधन खाते में राहत कोष डाल सकते हैं, हमारा तो पैसा जमा है, इन ठगों से दिला नहीं सकते, क्यों नहीं दिलाती हमारी सरकार? जब ये अनाज फ्री कर अनाज फ्री जनता को खिला सकती है हमारी सरकार, और हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पैसा को क्यों नहीं दे सकती? क्यों नहीं? हमारा हक है, उस पैसे पर हमारा हक है, हमारी मेहनत की कमाई है। फ्री तो उन लोगों के लिए किया है ना जो मतलब गरीब लोग हैं भाई। हम गरीब हैं, हम मैंने 50 लाख रुपए लगा दिया, मेरे बुजुर्गों की जमीन थी, वो मुआवजा मिला था सारा, इस कंपनी में लगा दिया, मैंने कमाई थी जमीन, मेरे बच्चे कहाँ हैं आज, बेटी कहीं है, बहू कहीं है, मैं कहीं हूँ, दुबक दर डोल रहे हैं, क्यों दुबक? हमने क्या गुनाह किया है यार? रिश्तेदारों का 5 करोड़ रुपए लगा दिया। और क्या बोल रही है, क्या बोल रही है इस देश में? दोबारा देखिए मुझे, मैंने 6 महीने पहले शिकायत करी थी थाने में, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं मोदी जी से पूछती हूँ क्यों नहीं हुई कार्रवाई इस पे? 6 महीने से मैं चक्कर लगा रही हूँ थानों के, क्यों नहीं हुई कार्रवाई? मैं मोदी जी से ये पूछना चाहती हूँ, अमित शाह जी से ये पूछना चाहती हूँ, हम क्या इसी काम के लिए रह गए कि भैया रोज अपने बच्चे छोटे छोटे रोते हुए छोड़ के और थानों के चक्कर लगाते रहे? 7 करोड़ रुपए है हमारे सेल्फ कोर्ट पे एक कंपनी में, हम लोग पतिविहीन हो गए हैं, हम लोगों का जो सुहाग था वो हरण हो गया है, ये कौन देगा खुशी? पेंशन वगैरह नहीं मिल रहा, पेंशन 2000 रुपए, 1000 में हमारा पेंशन चल जाएगा, जो 35,000-50,000 महीने कमा रही थी उसका 1000 में पेट भर जाएगा, और उसकी 22 साल की बच्ची है, शादी नहीं हो रही, कैसे होगा? मोदी करेंगे बताइए? कन्या योजना भी निकाली, गलत है, हम गलत है, लेकिन इतने बैठे हुए लोग आवास योजना निकाली, कन्या योजना भी निकाली, कन्या योजना से हमारा दिल भरेगा? अटंडम किसी की किडनी खराब हो गई, ये क्या है? ये लिस्ट देखो, ये लिस्ट है जो आके हमारे सिर पे धप मारते हैं ना, वो लिस्ट है देखो, ये देखो पूरे 65,000, ये सारे पैसे जमा हुए हैं, ये हमारे सारे पैसे निवेशक आके हमको धमकी देते हैं। किस चीज का है? मेरा वही पैसा है, देखिए एक एक आदमी का 13-13 लाख है, 13,30,000 है, 6,65,000 है, 2,54,000, कुल मिलाकर 41,59,000 है एक व्यक्ति का है। अब एक व्यक्ति का मैं 39 लाख पैसे नहीं दूंगी तो मेरी जिंदगी क्या करेगा, आप बताइए? इतने लोग झूठे हैं जो आए हुए हैं, आज 2014 से लोग परेशान हैं, जब हम लोग वर्किंग थे, किस किस में वर्किंग, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में सारे लोग अलग अलग कंपनियों में किए थे, लेकिन सारी कंपनी अब एक ही बेल्ट पे चली गई है, किसी का भुगतान नहीं हो, चाहे सहारा हो, चाहे तमाम छोटी मोटी कंपनियां हो, सर के है, इसमें अमित शाह का है, मुकेश मोदी का है, राहुल मोदी का, सारे लोग का है, बताइए? नम्र निवेदन आपसे, आपसे नम्र निवेदन है, हम मीडिया वालों को बहुत सी जगह देख चुके हैं, हमारे बारे में हमारी भी कोई बात कोई भी मीडिया कर्मी सरकार तक नहीं पहुंचाता, आप ऐसा ना करें, आपसे नम्र निवेदन है, पूरा खबर दिखाएंगे, हमारा काम नहीं है खबर छुपाना है। हम बहुत दुखी हैं, मरने को जी करता है, क्या करें हम, किस रास्ते जाएं, क्या करें हम, फांसी लगाएं, लेकिन एक मदन लाल जी मसीह हमें ले हैं, जी रहे हैं, हमारे साथ ही बहुत जा चुके हैं इस दुनिया से, हमने क्या गलती कर दी? सरकार के लाइसेंस पे काम किया कंपनी ने, उसमें हम रोजगार ढूंढा, हमने गलती क्या करी है? ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी, हमारे साथ गलत हुआ है, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं आप, है? आरोप लगाएंगे हम इसमें तो सरकार में है नहीं, किसने दिया लाइसेंस? सरकार नहीं तो लाइसेंस, अगर कोई
अगर कोई चोर चोरी हमारे घर में कर लेता है मैं किससे जाके शिकायत करूंगा, किसका सहारा लूंगा? मैं भी चौकीदार। कौन चौकीदार है? चौकीदार क्या कर रहे हैं? हमारी चौकीदार कर रहे हैं जो विदेशों में तो जा रहे हैं, आज यहाँ कहा रहे हैं कितनी पब्लिक वो जनधन के लिए जाते हैं, जनधन के लिए जाते हैं। योजना भी दी है। क्या जनधन योजना? हमें कुछ योजना की जरूरत नहीं है। वही मकान हमारा पैसा दे दे, हमारा पैसा ना दे, हमें कोई जरूरत नहीं है। सारी योजना, हाँ सारी योजना वापस ले ले, हमारे लोगों का पैसा दिलवा दे बस। हमको उनकी योजना के मोहताज नहीं है, हम लोग उनके मोहताज नहीं है। ठगों के चौकीदार हैं बस। किसके? ठगों के चौकीदार हैं सिर्फ मोदी जी। मोदी जी ठगों के चौकीदार हैं। कौन है ठग? इसके चौकीदार नहीं है। ठग कौन है? ठग जिन्होंने हमारा पैसा लूटा, जिनके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, जिनको मोदी जी ने सरकार ने लाइसेंस दिए हैं गरीब जनता को लूटने के, वो ठग हैं। पैसा तो आप ही लोगों ने जमा करवाया, तो लाइसेंस तो उन्होंने दिए थे ना, लाइसेंस तो सरकार ने दिए थे ना। जब हमारी भारत सरकार इनके ऊपर कानून बना चुकी है, लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? जिन्होंने ठगाई कर ली तो उसमें सरकार का क्या? सरकार ने खुलवाया नहीं होता तो खोलते क्यों? वो तो बहुत भैया राष्ट्रीय भक्ति पार्टी है। भक्ति पार्टी नहीं, अब क्यों उनकी पार्टी चली जाएगी? कोई वोट नहीं, हाँ चली जाएगी। हमें मिलना चाहिए हमारा पैसा, कोई सरकार हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार लाइसेंस देती जिन कंपनियों को, उसका पैसा भी कंपनी जिम्मेदार है, कंपनी सरकार दिलाने के जिम्मेदार है। सरकार को सीधा जिम्मेदार, बिल्कुल जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार लाइसेंस उन्हीं ने दिया है, उन्होंने लाइसेंस दिया है। कुछ होता है आप लोग विरोध करने लगते सरकार? नहीं, ये बहुत बड़ा विरोध है। कम से कम 20 करोड़ जनता हमारी परेशान है, कस्टमर। तो जब कंपनी भुगतान नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट भुगतान करवाए ना इनसे, अब जो अपना कानून बनाया है। किसी के घर पे नहीं जाते, किसी की शादी पड़ती है तो चोरी चोरी भागते हैं, मजार में सब्जियां खरीदते हैं तो भागते हैं, कोई देख न ले। बताइए सजाए किसने झेल रहा है? हम लोग झेल रहे हैं। BSEL कंपनी का 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इनका पैसा भुगतान करिए, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब मोदी जी नहीं मान रहे हैं, मैं कहता हूँ किसका फैसला मानेंगे मोदी जी? जब सुप्रीम कोर्ट मानने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान, जनता के लिए तो लड़ रहे हैं भाई, आप ही जनता की तो क्या लड़ रहे हैं? बताइए इसी चीज को लड़ रहे हैं? हमारा, हम लोग लड़ते हमारा खुद का 20 लाख तो मेरा लगा हुआ है, मेरे माध्यम से 1 करोड़ रुपए मेरे निवेशकों को लगा हुआ है। अच्छा, इस कंपनी केबीसीएल कंपनी को इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है और टैक्स भी दिया है, सारे कंपनियों को रजिस्ट्रेशन किया है इन्होंने, रजिस्ट्रेशन करके उन्होंने टैक्स लिया है और पैसा देने के बारे में अब इनको बंद कर दिया। मोदी जी ने ये तो कहा है कि मैंने 2 लाख कंपनियों को बंद कर दिया, ये नहीं सोचा कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा, कैसे लेगा, किसने शादी के लिए पैसा लगाया है, किसने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा लगाया है, आज वो बड़े बेघर हो रहे हैं और बड़े परेशान हैं और सारे निवेशक बड़े मानसिक संतुलन खोए बैठे हैं, तो उसके जिम्मेवार कौन है? हजारों लोग मतलब टेंशन में है, खुदकुशी करना चाहते हैं, तब भी मौत नहीं मिल रही है। खुशी की बात कहाँ करने जा रहे हैं, क्या करें? पैसे हो जाएगी, भलवेस हो जाएगी, क्या करें? मरता क्या नहीं करता, आप बताइए, मरता क्या नहीं करता? बताइए, ये सभी तमाम लोग जो आए हुए हैं, ये चिटफंड कंपनी का आरोप के तहत यहाँ पर लगाए गए आरोप के लिए ही प्रदर्शन कर रहे हैं कि भैया जो पैसा लिया गया था, निवेश किया गया था, उसके बाद जो ठगाई की गई है, ठग है, उन ठगों को पकड़ा जाए। लगातार तमाम लोग आप देख सकते हैं, कितने राज्यों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हुए लोग हैं, मथुरा से, आगरा से, यूपी से आए हुए लोग, यहाँ तमाम लोग आप देख सकते हैं कि ठगाई के बारे में बात कर रहे हैं योगी जी द्वारा और मोदी जी द्वारा, जो दावे वादे किए जाते हैं, ठगों को फांसी देने की लगातार यहाँ पर मांग और डिमांड है। मेरा नाम अयोध्य प्रसाद है, मैं यूपी से कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से मिलान करता हूँ, रोज वाली कंपनी का पीड़ित जमा करता हूँ। कौशाम्बी के अंदर 10,000 करोड़ की ठगी हुई है, रोज वाली कंपनी ठग किया है, कई बार आवेदन करने के बाद आश्वासन मिलता गया लेकिन आज तक पैसा नहीं मिला। तो हम बड़ी ठगी हुई है, कहीं खबरों में नहीं है? खबरों में नहीं है इतनी? नहीं, अब वीडियो नहीं चला रहे हैं, 2015 से बंद हो गई है, कई बार हमने, कब से पता है आपको? 8 साल हो गए सरकार को भी आया, हर बार एप्लीकेशन दिया, यहाँ डीजी दे, थाने में दे, डीएम के यहाँ दिए। तो हम इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो सरकार ने
वर्ष 1919 लागू किया जो एक्ट ठगों के हित में लागू किया है, इसके अनुपालना हर जिला सुनिश्चित करें। जैसा कि हमने अभी 11 ये अक्टूबर को जो है ज्ञापन दिया जिलाधिकारी को इसी संबंध में, लेकिन वहाँ भी अभी अनुपालना नहीं सुनिश्चित हुई। हमने रिमांडर भी दिया डीएम साहब को, उन्होंने कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं किया गया। सबका पैसा फंसा हुआ, सबका पैसा फंसा हुआ या ऐसे ही पैसा दे के आए हैं आप लोग, इतना भीड़ आ गई है। नहीं, इसमें भी आरोप लगता है कि पैसा दे दे के आप लोग भीड़ आ जाती है। सबको पैसा है मैडम, यहाँ कोई पैसा नहीं है आया, सबका पैसा है, सबने पैसा लेना है। पैसा दे करके करोड़ों रुपए फंसा है कंपनियों में, सारा इंडिया, सुब्रत राय, रोज वैली, पल्स, ये सब ठग के बैठे हैं। हम मिल जाइए ना, ठगों ने योजना बद्ध, एक सेकंड, ठगों ने योजना बद्ध क्या कह रहे हैं? हाँ, मेरा क्वेश्चन करिए आप। मैं कहाँ से आए? मैं आया हूँ रीवा डिस्ट्रिक्ट से, मध्य प्रदेश रीवा। आप कभी पैसा ठगी कर ली? मैं एजेंट हूँ मैडम, मेरे अंदर में मेरी बहुत बड़ी टीम है, उसे तो मेरे पास। क्या बोलिए, हाँ तो चल रहा है। तो हमारी टीम जो है ना 2 करोड़ का करीबन हुए हैं, इतना पेमेंट करवा दिया हूँ, इतना पेमेंट करा दिए हैं कि क्या बताएं मैडम। अब यह है कि अब वो हमारे गले में फांसी लगा दिए कि भैया मेरा पेमेंट चाहिए, तो पेमेंट हमके भाई सबको मिलेगा। अब जिसका टाइम पूरा हो गया हमको पूरा अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, मैं सबका डॉक्यूमेंट लगा करके सबको मैं करवा दे रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। हाँ तो रजिस्ट्रेशन करवाए, बोले कि इसका और क्या होगा, उन्होंने सहारा श्री ने उनके सबके मोबाइल में वो डाल दिया कि भाई आप लोग पेमेंट बहुत जल्दी करवाएंगे। वो देने के बाद वो डेट पे डेट सारे नथिंग होते गए, इतने हो गए, सब कैंसिल होता गया। तो एक कहा कि भैया आप नहीं, अब हमको पैसे चाहिए। बर्ड्स एक्ट है क्या, मतलब इसके तहत क्या कुछ ठगी हो गई है? बर्ड्स एक्ट है क्या, जरा जनता को बताइए। हम जनता को यही बता रहे हैं कि आप लोगों का पेमेंट मिलेगा, थोड़ा वेट करिए, जैसे वेट करेंगे पेमेंट आएगा आपको, जैसे हमारे ये क्या बोलते हैं बजट में पैसे आ जाएगा, देखिए आपको देंगे हम, बस यही है। ठगी हो गई, ठगी को फांसी, ठगों को फांसी के लिए मांग कर रहे हैं आप? अरे फांसी क्या, फांसी ये कह रहा है कि हम किसी जब तक हुए है, ये तो गलत है। फांसी नहीं, पेमेंट कराने के बाद वो जो क्या बोल रहे हैं, ठगों को फांसी जैसा ऐसे लग रहे हैं। मैम देखिए, दरअसल ये है कि हमारे हिंदुस्तान में देखा जाए बहुत सारी ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लगभग 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमा करता है, जिसमें से इन ठगों के कारण 1 लाख प्लस अभी तक जमाकर्ता कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली है, जिसका कारण चाहे सहारा हो, चाहे रोज वैल्यू हो, चाहे कल्पतरु हो, चाहे अन्य कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जिसमें एक्ट की बात कर रहा हूँ, जिसे बोलते द बाइनिंग आप अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 शॉर्ट कट में से भर्स एक्ट कहते हैं, हिंदी में ऐसे अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 कहते हैं। इसमें ऐसा प्रावधान है कि हिंदुस्तान में चाहे वो कंपनी का CMD हो, डायरेक्टर हो, चाहे कोई ऐड करने वाला प्रचारक हो, इसमें ऐसा प्रावधान है जो लोगों की मौत का कारण बना है। इसमें यह प्रावधान है कि जो ठग है, ठगों के खिलाफ जो हमारी मांग है राष्ट्रद्रोह गैंगस्टर जैसे एक्ट में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए और इन ठगों को फांसी। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे सुब्रत राय हो, चाहे भंगू जी हो, चाहे कुंडू हो, ये सारे करीब 18। ये चिटफंड मामला क्या है, मसला क्या है? देखिए चिटफंड कंपनी का मसला क्या है, 1978 से सहारा इंडिया परिवार है, या मान लो पल्स है, कल तरु है, रोज वैली है, साई प्रकाश है, साई प्रसाद है, कल तरु है, मतलब जो है बाइक बोर्ड है, ये सारी कंपनियां जो है इनको सरकार ने रजिस्टर्ड किया था, और इसके पीछे उद्देश्य क्या था वो सरकार जाने या ठगों की नीयत जाने। हम कहते हैं ना, हिंदुस्तान में ईमानदार वही है जिसे बेईमानी करने का मौका नहीं मिला, और इन ठगों को हम लोगों ने, आप लोग जमा करने पहुंचे क्यों इन ठगों के पास? हम लोग ठग हैं। हाँ बिल्कुल, इनका जमा करने इसलिए पहुंचे कि हमने देखा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का फीता काट रहे हैं। हिंदुस्तान क्या एक राजनीतिक पार्टी, कोई भाई, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो,
इनके सुब्रत राय के यानी सहारा के मंच को साझा किया। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, क्रिकेट के सितारे, हिंदुस्तान की बात छोड़े अमेरिका के राष्ट्रपति तक इनके मंच को साझा किया। जब सरकार ही प्रमोट कर रही इन कंपनियों को, तो देखा हमने प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, सारे क्रिकेट के सितारे, फिल्मी सितारे सारे इनके मंच को साझा कर रहे हैं। तो हमने सोचा सरकार ने लाइसेंस दिया है, और यहाँ तक कि रोजगार मेला सरकार ने ही लगवाया था। जो ये एजेंट बने हैं ये बेरोजगार लोग हैं, जिसका बाकायदा रोजगार मेला लगाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, डीएम, एसपी सारे उपस्थित थे। इन सारे लोगों के लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर के बाकायदा इनको रोजगार मुहैया करवाया गया था। ये सब चीजों को देखकर आप लोग आकर्षित हो गए? भाई सरकार ने, मुख्यमंत्री कह रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, लोग भी तो आकर्षित हो ही जाते हैं ना। अच्छा एक चीज बताइए मैम, हम लोग नौकरी किसी विभाग में करते हैं, सरकार का विभाग होता है तो एक फार्म भरा जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसी तरह एजेंटों के बाकायदा लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर के इनमें सरकार ने ही रोजगार को मुहैया कराया, सरकार ने ही भर्ती कराया था, इसलिए सरकार ने लाइसेंस दिया था। किसने किसने दिया? कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने दिया, सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने दिया, ROC ने दिया, MCA में कंपनी रजिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम जितने भी काम कर रहे हैं सरकार से लाइसेंस प्राप्त कंपनियों में काम किए हैं, मतलब ये ठग जितने हैं सरकार से रजिस्टर्ड ठग हैं, ये सरकार के अपने लोग, बिल्कुल रजिस्टर्ड ठग हैं, ये सरकार ने इनको रजिस्टर्ड किया ना, और इनको संरक्षण भी हमारी सरकार ही दे रही है। अच्छा अभी आपने कहा कि इनका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य जाने भी नहीं आप लोग पैसा देने पहुंच गए। मैम जैसे अभी आप आई हैं, आप अच्छी अच्छी बातें करने लगे कि मैडम बहुत अच्छी, आपके अंदर क्या चल रहा है? कहते ना आप, मतलब अच्छी अच्छी लोग बातें करते हैं क्योंकि फंसाने के लिए, और अंदर पता नहीं प्री प्लानिंग होती है, अंदर से प्लानिंग होती है कि हाँ अभी बता कि आपको मैं ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, ये लाभ दूंगा, वो लाभ, लेकिन अंदर ये प्लानिंग था कि इन लोगों को हमको ठग करके इतने समय तक हमें वापस करना है, और बाद में जैसे इतने करोड़ रुपया आ जाएगा। और एक चीज़ और है, रियल इस्टेट का जो सरकार लाइसेंस देती थी 100 करोड़ तक सरकार इसको टच नहीं करती, जैसे 400-500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाता था तो सरकार ये सोचती थी अब हमारे मतलब भर का पैसा आ गया, लाइसेंस भी सरकार ने दिया, कंपनी को बंद करवाया, और वो पैसा सरकार और ठग मिलकर हाथ लेते हैं। यानी सरकार के लिए आप लोग बहुत आसान हैं, मतलब आपको ये लुभावना एक अवसर दिया जाता है और आप लोग आकर्षित हो जाते हैं। नहीं अब एक ही चीज है ना, जो सरकार जो लाइसेंस देती है उसके पीछे सरकार के, इसमें देख लीजिए A से Z तक ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें सरकार के अपने लोग ना हो। शारदा चिटफंड घोटाला 13 में हुआ, 25 ममता बनर्जी की पार्टी के 25 विधायक, सांसद, मंत्री थे, अपने लोग हैं। इसी तरह जब चुनाव आता है यही ठग कंपनियां हर राजनीतिक पार्टी को फंडिंग करती हैं, आज उनका बुरा समय आया तो ये राजनीतिक पार्टियां उनके साथ, चुनाव आ रहा है क्या करेंगे, तो ये नहीं लाइए ना तो आपको आपका पैसा वापस मिलेगा भाई। नहीं अब तो हम 24 नहीं, अब हम लोगों ने एक ही चीज प्लान, वापस नहीं चाहिए पैसा, नहीं 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 मिलेगा, अब हम लोगों ने एक प्लान किया है, जैसे उन लोगों ने एक प्लानिंग किया था, हम लोगों को लूटा ठगा है, और एक ही उद्देश्य है, एक ही मिशन है, एक ही लक्ष्य है, एक ही वो है कि सन 2024 के पहले पहले जिनको सरकार ने मतलब ठगों को लाइसेंस दे करके हम लोगों को ठगा था, चुनाव में एक ही नारा है, पहले भुगतान फिर मतदान, अगर भुगतान नहीं मतदान नहीं। 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता, 3.5 करोड़ निवेशक कार्यकर्ता मिला के 23.5 करोड़, अगर इनके परिवार का एक एक आदमी मिला लिया जाए 22 करोड़ प्लस वोट पा करके अगर हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो 23.5 करोड़ लोग अगर प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो उन्हें सीट से उतार सकते हैं, और यही संकल्प है, पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं होगा तो मतदान नहीं, चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, बिल्कुल नहीं करेंगे मतदान, अपने पूरे, अरे आप ही लोग अभी कह रहे हैं अभी जैसे ही चुनाव आएगा आप ही लोग जाएंगे सबसे पहले, नहीं जाएंगे बिल्कुल नहीं जाएंगे, और जान लीजिएगा इस सरकार को गिराने का काम करेंगे। अभी हमारे चायल में मंझनपुर में हमने गिराने का काम किया सरकार का, गिरा लेंगे आप, गिरा देंगे, अगर 20,000 करोड़ हमारे जमा करते इकट्ठा हो जाएंगे तो हर एक घर में जाकर हैं आप लोग कि आप सरकार गिरा लें, हाँ गिराने की ताकत रखते हैं मैडम, गिराने बड़ी बड़ी सब करते हैं लेकिन सर कुछ नहीं है, नहीं नहीं सुनिएगा, अभी सरकार एक बिल लाई थी किसान बिल, कुछ किसानों ने विरोध किया, बाद में कुछ संगठनों ने विरोध किया, सारे किसान और संगठन एक मंच पे आए,
सरकार को बिल भी वापस लेना पड़ा और माफी भी मांगनी पड़ी। ये संगठन की ताकत ये इसी तरह अफसोस जताया कि भाई हम समझा नहीं पाए या फिर ये समझ नहीं पाए। नहीं ये तो क्या करें, बहाना तो करना है, वो समझा नहीं पाए या वो समझ नहीं पाए। हकीकत तो यह है वो किसानों के हित में बिल नहीं था और बाद में सरकार मोदी जी के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो अच्छे नहीं साबित हुए, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा। सरकार की बुराई गिना रहे, अच्छाई नहीं गिना रहे ना। सरकार की अच्छाई कुछ चीजें हैं जो अच्छी हैं राष्ट्रहित में, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जिसमें लाखों लोग, हम कहते हैं एक चीज जान लीजिए, 400-500 लोग एक साथ अगर मर जाते हैं उसे राष्ट्रीय आपदा अच्छी है तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है। 1,00,000+ लोग आत्महत्या कर चुके हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, राहत कोष बनाए और हर पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता का जो भी है उन्हें कुछ ना कुछ इसका राहत कोष से लाभ दे। अभी आपने कहा कि भैया उनकी कुछ चीजें अच्छी हैं, हाँ, तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? लेकिन ये चीज तो गलत है ना, मतलब आपका नहीं हो रहा है तो मतलब विरोध कर लिए, मेरा ना करें, हमारा मतलब बाकी सारे कामों को आप भूल गए और मतलब एक काम को आप सुनो, मेरा अच्छा ही तो विरोध नहीं नहीं सुनिए बताया नहीं, मेरा मतलब नहीं नहीं सुनिए सुनो बताए, जैसे मान लो कुछ काम है अच्छा कर रही नहीं कुछ काम अच्छे कर रही है, लेकिन जो इनमें इन कंपनियों में पैसा जमा किया था, मान तो कौन है, किसान मजदूर लेबर, ये जो छोटी मोटी दुकानें लगाते हैं, इन गरीबों का पैसा, किसी लखपति किसी करोड़पति किसी नेता अभिनेता का पैसा नहीं है, ये गरीबों का पैसा था। और हमारा उद्देश्य है कि सब अच्छा कर रहे हो लेकिन एक अगर बुरा काम कर दिए सारी अच्छाई धुल जाती है, और पीड़ित निवेशकों ने एक लाख अच्छाइयों को आप लोग भुला दिए, नहीं कैसे भूल रहे हैं, लेकिन जो 1,00,000 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, एक सिस्टम है जैसे नहीं जैसे मान लिया जाए पश्चिम बंगाल में 500 करोड़ का एक पैकेज बनाया गया था, वहाँ पीड़ित जमाकर्ताओं को राहत दिया गया। क्या पश्चिम बंगाल हमारे हिंदुस्तान में नहीं आता है? अगर वहाँ के पीड़ित जमाकर्ताओं को उस यक्त के तहत लाभ दिया जा सकता है तो पूरे हिंदुस्तान में उस यक्त वही कानून वही संविधान सब लागू होता है। अगर आपको उस चीज का लाभ मिल सकता है तो क्या अगर अदर हिंदुस्तान में पीड़ित जमाकर्ताओं को लाभ नहीं मिल सकता है? देना चाहिए नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देना तो चाहिए। तो अब देखिए एक चीज का आप विरोध करने लग रहे हैं, बाकी तो अच्छा करा ना, आप ही खुद ही मुंह से बोल रहे हैं। नहीं नहीं हमारा मतलब कुछ चीजें मैंने कही, कुछ चीजें हर आदमी कुछ चीजें अच्छी कर रहा है और कुछ चीजें हैं जो कि नहीं अच्छी हो रही। हमारा गरीबों के लिए इनके ये जो है अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो अभी अच्छा कर देंगे आप, वोट तो दीजिएगा ना, मतलब भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान। देखिए सरकार ने लाइसेंस दिया है, जो 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 ठगा ठगों को लाइसेंस दिया है बाकायदे, MCS है रजिस्टर्ड, वित्त मंत्रालय रजिस्टर्ड है, उसी के तहत लोगों ने, हम बेरोजगार जैसे लोगों ने देख कर रजिस्ट्रेशन सरकार का काम किया है और अपना पैसा जमा किया और इन्वेस्ट कराया है, तो कहीं ना कहीं सरकार दोषी है उसको बंद कराने से पहले, क्योंकि टैक्स लेती थी, रजिस्ट्रेशन दिया ना, सरकारी रजिस्ट्रेशन मिला भारत सरकार का, तो तब हम लोगों ने उसमें काम किया देख करके, तो सरकार को बंद कराने से पहले सभी निवेशकों का जमा करता भुगतान, भरोसा नहीं है सरकार, भरोसा रखिए भाई और जमा कर दीजिए, मिलेगा। क्यों बंद करा दिए, क्यों बंद करा दिए, क्यों बंद करा दिए? मैडम मेरा एक सवाल, बंद क्यों करा दिए हैं? जब रजिस्ट्रेशन सरकार देती है सबका भुगतान करवाने के बाद ही बंद कराना चाहिए, बताइए आप। मैडम मेरा सरकार रजिस्ट्रेशन दिया ना, मैडम सवाल कर ली, एक सवाल सरकार से, सवाल नहीं मैं आपसे करता हूँ, एक मिनट आपसे एक सवाल, आपकी फैमिली मेंबर में कोई भी ऐसा व्यक्ति, आपके फादर है, आपकी मदर है, कोई भी है जिसने इस कंपनी में काम किया था 10 साल पहले, उसने आज कंपनी खत्म हो गई, बंद हो गई, आपके फैमिली मेंबर में ये लोग आते हैं पैसा मांगने के लिए, आप कैसा फील करेंगे? आपको क्या जवाब देंगे? कैसा पैसा आप कैसे देंगे उसको? आपके पास फंड नहीं, आपने 5 करोड़ रुपए जमा कराया है पब्लिक से, अब वो आपके घर पे आते हैं सिर्फ कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, क्या फील करेंगे आप बताइए? पैसा नहीं होगा तो देंगे कहां? कहां से देंगे? कौन इसका जिम्मेदार कौन है? भारत सरकार, कौन गाली बक? जमा करता जिसका पैसा जमा कराया गया, वो लोग घर में आके गाली बकते हैं, रोड पे निकलते गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं? चाय पिलाया, पहले चाय पिलाया मीठी लगी, बाद में जहर पिलाया तो चाय का स्वाद अच्छा रहेगा का जहर का, आप बताइए मैडम? डायरेक्ट वे में बार बार कर रहे हैं, बार कर रहे हैं। नहीं मैं आपसे चाय किसे नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने चाय पिलाया, मैंने एक मिनट मीडिया को उनसे नहीं पूछा जाता, नहीं मैं सवाल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलने दीजिए भाई, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपके घर जाता हूँ, आपने
चाय पिलाया। मैंने आपको बहुत सराहना किया कि मैम बहुत अच्छी हैं, मैम बहुत अच्छी हैं, और चाय के साथ में एक ऊपर ही दे दीजिए आप एक उदाहरण है। आपने चाय पिलाया, हमको अच्छा लगा, हम मैम की सराहना करने लगे, और उसी चाय के प्याले में जहर का प्याला दे दिया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ऐसा ही तो हुआ, ऐसा ही तो सरकार ऐसा ही तो कर रही है, सरकार कर रही है, मैम। मेरा सवाल आपसे ही था, जहर का प्याला अगर आप पीना चाहेंगे तो ही तो चाय के धोखे में तो पिलाया, चाय के धोखे में पिलाया ना। सबसे बड़ी बात है, देखिए सरकार ने जो लाइसेंस दिया था कंपनी को बंद कराया, इनके अकाउंट भी सरकार ने ही फ्रीज किए थे, और उस अकाउंट में जो पैसा था वो ऑलरेडी सरकार के पास है या सरकार की अथॉरिटी के पास है। जैसे सहारा का 25,000 करोड़ है, पल्स का लाखों करोड़ रुपया है, और रोज वैली का आप साई प्रकाश का 111,54,435 रुपया सन 2016 में सेबी के पास आ गया। ये पैसा पीड़ित जमा करदाओं का था और सरकार की अथॉरिटी के पास है, जो रिलीज नहीं किया जा रहा। अगर इस पैसे को रिलीज कर दिया जाए तो हर पीड़ित जमा करता, जैसे पैसा जमा किया था कि बच्ची की शादी करना है या बच्चे के पढ़ाई लिखाई भविष्य के लिए, तो कारण है ना। यहाँ पे सरकार की नीयत पे भी सवाल उठता है और इनकी अथॉरिटी की नीयत के ऊपर भी सवाल उठता है, क्योंकि ये पैसा जनता का था। 1998 के पहले देखा जाए तो आपका जेकेबी थी, धनुदय थी, आसमा थी, कुबेर थी। 98 उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, ढेर सारी कंपनियां, कितनी कंपनियां गिनाएं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो उस समय सरकार ने एक चीज सोची थी कि जैसे हम इन कंपनियों का पैसा नहीं दिए हैं और इस बार भी मार देंगे, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। ये 1998 नहीं, ये सन 2022 है। इस बार में यही होना है कि क्या करेंगे, अब नहीं मिलेगा तो भैया इस बार हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे और उस हद तक जाएंगे कि सरकार को मजबूर कर देंगे कि हर पीड़ित जमाकर्ताओं का या तो जो पैसा सरकार के पास आया हो। अडानी अंबानी का भी नाम हो रहा है, नहीं अंबानी अंडाली से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा पैसा सरकार के पास है, उनके सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, पब्लिक के पैसे से मतलब है, समाज के और लोगों से आपको मतलब नहीं। हमारे जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, लेबर वर्क है, इन लोगों का पैसा गया है और मैं गरीबों के साथ हूँ। हमें ना अडानी से मतलब है, ना अंबानी से मतलब है, ना सरकार का विरोध करने से मतलब। इन पीड़ित जमाकर्ताओं को जो पैसा सरकार करने से मतलब नहीं तो फिर विरोध क्यों? नहीं नहीं मैडम, जो पैसा आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्लियर। हमारा मतलब यह है कि जो ये निवेशकों का पैसा है, इस पैसे को जो सरकार के पास से रिलीज कर दे, हमें कोई विरोध करने, ये पैसा जनता का है, जनता को रिलीज कर दे। अगर नहीं रिलीज करते हैं तो इसके दुष्परिणाम सन 2024 के पहले, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये अगर अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते हैं तो इनके पद से, इन्हें यही जनता जो प्रधानमंत्री बनाया है या इस पद पर बैठाया है, विमुक्त भी करेगी। विमुक्त कर देंगे आप, बिल्कुल मुक्त कर देंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि क्योंकि आप किसी के घर में यदि कोई व्यक्ति सुसाइड करता है सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से, मैं तो गवर्नमेंट ही कहूँगा ना, कि भारत सरकार ने क्लोज किया, पहले लाइसेंस दिया फिर क्लोज किया, अब क्लोज किया तो फिर पब्लिक का पैसा क्यों नहीं दे रही है? यदि उसके पास में है तो अकाउंट में है, गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा है, सीज किया गया तो उनके पास होना चाहिए। तो बस इतना ही मेरा कहना है और कुछ भी नहीं कहना, कि जो एक्ट लागू किया है, जो संविधान में बना हुआ है, उसको जितने भी जिले हैं, जितने भी प्रदेश हैं, वहाँ पे अधिसूचना जा चुकी है, लेकिन उन लोग को पता ही नहीं कि बर्ड्स एक्ट होता क्या है। उनको जब वहाँ के अधिकारियों को आप दो तो समझ में आता कि कोई एक्ट बना हुआ है। तो हम लोग का सिर्फ यही कहना है कि इस एक्ट को वहाँ तक, जिले जिले में उसको सक्षम अधिकारी जो बनाए गए हैं उन तक ये पहुँचाया जाए, और जितने भी उपभोक्ता हैं, जितने भी जमा करता है, वो अपनी FIR दर्ज करें और उनको वहाँ से भुगतान मिले। बस हम लोग लड़ाई यहीं तक है और कोई लड़ाई नहीं है, ना सरकार से है। कोर्ट वगैरह में भी आपने डाला है ये सब? कोर्ट में डाला है, FIR कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन जो एक्ट लगे हैं उस एक्ट के MD CMD का क्या कहना है? वो तो जेल में है, कोर्ट में तारीख के ऊपर तारीख मिलती है, उसी तरह आज ये कंपनियों का तारीख ऊपर तारीख दिया जा रहा है, पेमेंट कभी नहीं दिया गया। PACL का 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ कि 6 महीने के अंदर आप जो है पब्लिक का पैसा रिटर्न करें, से भी सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो रही है, और 2016 से आज 2022 हो गया, रिटर्न नहीं हुआ, कोई रिटर्न नहीं है,
कागजों में बताते हैं 15,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, किसी एक बंदे का अगर किसी के 20,000 रुपए जमा और गलती से उसका 500 रुपए की इंस्टॉलमेंट का कागज गया तो उसके 500 रुपए आगे और खेल खत्म, तो ये धोखाधड़ी है। हम जितने भी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जंतर मंतर पे, हम सब लोगों का सिर्फ एक ही है कि जो वर्ड्स एक्ट आपने बनाया है और ये पारित किया है, आपने कानून बनाया है, इसको जल्द से जल्द लागू करो और जल्द से जल्द हम सब जो पीड़ित लोग हैं इन सब लोगों का पैसा जो है अपना बस। चलिए तो ये थे, देखिए ये लगातार यहाँ पर जो तमाम लोग आप देख रहे हैं ये सारे सहारा इंडिया प्रताड़ित जमाकर्ता अभिकर्ता समूह की तरफ से हैं, सारे वही लोग हैं जो जमाकर्ता है, निवेश किया था इन्होंने पैसा, चिटफंड का मामला है पूरा, लगातार जिस तरीके से सरकार ने बर्ड्स एक्ट बनाया था लेकिन उसके तहत काम नहीं किया गया है और इनके पैसे को जो जमा इन्होंने किया था उसको ठगी का काम किया है, ये भी अब शिकार हो चुके हैं। सोचिए पूरी जनता तहस नहस मची पड़ी है पूरे देश में, लेकिन सरकार जो है दौरा कर रही है, गुजरात दौरा कर रही है, चुनाव आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जनता है जो वोट की चोट देने के लिए तैयार है और जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक मतदान नहीं होगा, ऐसा इनका कहना है। लगातार ये तमाम लोग आप देख सकते हैं कितनी संख्या में ये तमाम लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं, कितना लोग बता रहे हैं आप? 50,000 लोग ये बता रहे हैं, आधे लोग जा भी चुके हैं। सोचिए 50,000 लोग जब मत नहीं देंगे तो सोचिए सरकार कैसे सत्ता में आ जाएगी, वो तो इनका कहना है, लेकिन गिरा पाएंगे या नहीं गिरा पाएंगे ये तो देखने वाली बात है, चुनाव भी है। और लगातार यहाँ पर इस जत्थे का आप देख सकते हैं किस तरीके से आह्वान हो रहा है, यहाँ पर लगातार लोग अपने पैसों के लिए मांग और डिमांड कर रहे हैं, 8 सालों से जो ठगी हुई है उस ठगी की ये डिमांड है इनकी कि इनका पैसा वापस किया जाए, लेकिन जब पैसा वापस ही नहीं होगा तो ये लोग इसी तरीके से उस सरकार को दिखा देंगे कि इस सरकार को जैसे सत्ता में लाए थे उसको गद्दी से हटाने का भी काम करेंगे, ये इन लोगों का कहना है। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।